हाय एवरीवन, तो इस वीडियो पे मैं आपको दिखाऊंगी आप इजीली एक मिनट में चोको लावा केक कैसे बना सकते हैं घर में, वो भी बिना ओवन के माइक्रोवेव में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चोको लावा केक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है पार्ले जी बिस्किट्स। तो पार्ले जी का जो छोटा छोटा पैकेट आता है वही पैकेट मैंने यहाँ पर दो लिया है। अगर आप चाहें तो चॉकलेट बिस्किट भी ले सकते हैं, क्रीम बिस्किट। तो जितना भी बिस्किट मैंने लिया है उन सबको मैं अभी ब्लेंडर में डालूंगी। तो फिर मैं ऐड करूंगी कोको पाउडर 1 टेबलस्पून। अगर आप चॉकलेट बिस्किट लेते हैं तो कोको पाउडर आपको नहीं डालना है। तो मैंने नॉर्मल बिस्किट लिया था इसलिए मैंने कोको पाउडर ऐड किया है। एंड देन मैंने उसमें डाला है बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून एंड 1 बड़े चम्मच चीनी। तो इन सारे चीज़ों को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो देखिए सारी चीज़ों को ब्लेंड करने के बाद कुछ ऐसा टाइप का दिखेगा, पाउडर जैसा। तो अभी इस ब्लेंडर में डाल रही हूँ मिल्क। तो मैंने यहाँ पे टोटल 1/2 कप मिल्क यूज़ किया है और मिल्क आपका रूम टेम्परेचर में होना चाहिए, ठंडा भी नहीं गर्म भी नहीं। तो एट अ टाइम आप पूरा दूध मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिए और ब्लेंड कीजिएगा। और देखिए ठीक ऐसा पेस्ट आपको बनाना है। तो मेरा यहाँ पर पेस्ट एकदम बन के रेडी है। तो कुछ कपकेक के मोल्ड्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, ये है सिलिकॉन मोल्ड्स। अगर आपके पास ये है तो ये लीजिए, इससे आसानी से आप डीमोल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कपकेक लाइनर्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो बैटर मैंने रेडी किया है उसको मैं डाल रही हूँ 1 बड़े चम्मच, दोनों कपकेक मोल्ड्स में मैं डाल रही हूँ 1 बड़े चम्मच करके। तो यहाँ पे मैंने कुछ चॉकलेट चंक्स लिए हैं, ये नॉर्मल डेरी मिल्क जो मिलता है मार्केट में उसी का मैंने टुकड़ा लिया है। आप चाहें तो डार्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो चॉकलेट ऐड करने के बाद दोबारा से मैं बैटर ऐड करूँगी ऊपर से, ताकि चॉकलेट पूरा अच्छे से कवर हो जाए। तो ये कपकेक मोल्ड्स अभी एकदम से रेडी है माइक्रोवेव में जाने के लिए। तो मैं इसे माइक्रोवेव में 1 मिनट 30 सेकेंड्स के लिए घुमाऊँगी। तो देखिए रेडी हो गया मेरा कपकेक। 1 मिनट 30 सेकेंड ये इनाफ है ये कपकेक के लिए। अगर फिर भी आपको लगे कि थोड़ा सा कच्चा रह गया है तो आप दोबारा से उसे माइक्रोवेव कर सकते हैं ओनली फॉर 30 सेकेंड्स। तो बस आप घर में ऐसे ही चोकोलावा केक बनाएं और सबको सरप्राइज करें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।